हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट यानी पांचवें नंबर का चैप्टर बिजनेस साइकिल वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद लास्ट में आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज भी कर डालेंगे, मतलब खल्ली बल्ली। एक क्लास में बहुत कुछ मिल रहा है आपको। बस आपका धर्म यह बनता है कि आप जब ये पूरी वीडियो देख लोगे, लास्ट में जो आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू में कराऊंगा उसमें आपने कितना स्कोर किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स कितना पढ़ रहे हैं, कितने पानी में हैं, आप साबित करके दिखाना। तो दोस्तों, बिजनेस साइकिल जो वर्ड है इसके ऊपर पूरा चैप्टर घूमेगा और ये पांच टॉपिक्स आज की क्लास में कवर होंगे, यानी पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है इसके अंदर। तो बिजनेस साइकिल्स इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं, इसकी फीचर्स हैं, इसके कॉजेस हैं और इसकी रेलेवेंस क्या है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है एक्चुअली, वो चीज पढ़ेंगे लास्ट में। तो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा जिसका तुम्हें नुकसान हो। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उस तरीके से कर लेना, पेपर पार हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान लिखनी भूल गया मैं, यार ये 9 से 12 नंबर तक का चैप्टर आएगा, यानी कम से कम 9 और 12 के आसपास यहां से एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी खुशी की बात है, बड़ी छोटी वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर खुद अपने आप में छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ो जी। तो दोस्तों, यहां पर मैं शुरुआत करूंगा, इस चीज को छोड़ो। देखो, बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो आप जो बाईसाइकिल चलाते हो ना, वो साइकिल होती है 2 पहियों वाली, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। गोल गोल यहां कुछ नहीं घूम रहा, ठीक है। यहां सीधी बात करेंगे अच्छे दिन और बुरे दिन, वो भी बिजनेस के टर्म्स में। बायर मत समझ के चलो अपने आपको, अपने आपको खरीदने वाला बंदा अभी मत समझ के चलो। आप देश के जिम्मेदार लोग हो, आप इकोनॉमी के बारे में सोचते हो। तो इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर कभी अच्छे दिन चलते हैं, कभी बुरे दिन चलते हैं। अच्छे दिन की बात बताऊं तो हमारे प्यारे देश भारत के अंदर जो फेस्टिवल सीजन होता है, लाइक दिवाली, भाई दिवाली पे लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो कोई भी बिजनेस हो उनका सामान बिकता रहता है, क्योंकि दिवाली पे लोग प्लान करते हैं कि मुझे नई कार लानी है, नया टीवी लाना है, नया मोबाइल फोन लाना है। ज्यादातर दिवाली पे चीजें बिकती हैं। हाँ, पूरे साल बिकती रहती है, लेकिन दिवाली भी एक ऐसा फेज है जहां पर बिजनेस के अच्छे दिन आते हैं, तो बिजनेस का सामान उस टाइम बिकने लगता है। कभी कभी ऐसे दिन भी चल रहे होते हैं बिजनेस के, जैसे कोविड आ गया था, कोविड में लोगों ने कम सामान खरीदा था क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो लोगों का, बायर्स का भी टाइम खराब चल रहा था कोरोना काल के अंदर, और दुकानों का, बिजनेस का भी टाइम खराब चल रहा था। तो कुल मिला के ये है कि बिजनेस के साथ कभी टाइम खराब चलता है, कभी टाइम अच्छा चलता है। ये फेज बिजनेस में चलते रहते हैं। जब टाइम अच्छा चलता है तो बोलते हैं गुड फेज है, जब टाइम बेकार चलता है तो बोलते हैं बिजनेस ट्रेड का बैड फेज है। तो शुरुआत इससे करूंगा, गुड फेज और बैड फेज से। अब ना बिजनेस को लगता है जब चीजें महंगी होती है, प्राइस बढ़ता है, तो उनको फायदा होता है। कैसे? जब चीजों का प्राइस बढ़ता रहता है ना, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ कंपनीज का उसमें प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ता है, तो कंपनी को फायदा होता है। यार देखो क्या लिख रहा हूं, ये मत पढ़ना अभी, पूरी इकोनॉमिक्स देखो। जब प्राइस बढ़ता है तो दुकानदारों का प्रॉफिट बढ़ता है उसमें। मान लो कोई चीज पहले 10 रुपए की थी, अब वो 15 की हो गई, तो दुकानदार को जितना प्रॉफिट 10 रुपए का बेचने में हो रहा था, अब उससे ज्यादा प्रॉफिट 15 रुपए का बेचने में हो रहा है। हाँ, ये एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ गया है। अब उसके प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ा है तो वो ज्यादा सप्लाई करने के चक्कर में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। अब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे। तो यार देखो कितने फायदे हो रहे हैं। प्राइस बढ़ना मतलब बिल्कुल हमेशा नुकसानदायक नहीं होता, एक हेल्दी लेवल पे प्राइस बढ़ता रहे तो उससे लोगों को नौकरियां भी मिलती है, ठीक है ना। ये अच्छे दिन होते हैं सबके लिए, अच्छे दिन हो जाते हैं। बिजनेस के अच्छे दिन है तो हमारे भी अच्छे दिन हो जाएंगे। किसी दूसरे का काम धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है बढ़िया, उसकी वजह से हमें इस तरीके से फायदा होता है, पूरे देश में इसका फायदा स्प्रेड होता है। लेकिन जब यार प्राइस कम होने लग जाए, हर चीज सस्ती हो जाए, तो हर चीज सस्ती होगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा उसमें, तो उसको नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे में वो प्रोडक्शन कम करता है। तो जब वो सामान कम बनाएगा तो अब उसको एम्प्लॉय की जरूरत कम है, तो एम्प्लॉय की जरूरत कम है तो लोगों को वो नौकरी से निकालना शुरू कर देगा। तो यार ऐसे में प्राइस जब कम होता है ना तो एम्प्लॉयमेंट कम होती है, यानी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, समझ रहे हो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी ऐसे में, तो ये नुकसान देगा प्राइस लेवल का कम होना। तो ऐसे गुड और बैड डेज मैं आपको बता रहा हूं कि पीरियड्स ऑफ ट्रेड डिस्कस कर रहा हूं। पीरियड्स का मतलब होता है टाइम फेज, और ट्रेड मतलब सेल परचेज, कोई काम धंधे की बात हो रही है। ये गुड ट्रेड का फेज, गुड ट्रेड का टाइम तब आता है जब प्राइस बढ़ रहा होता है और बेरोजगारी लो होती है। प्राइस बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेंगे, और
पीरियड्स ऑफ बैड ट्रेड तब होता है जब फॉलिंग प्राइसेस होते हैं, यानी प्राइस कम हो रहा होता है तो नुकसान के दिन है, ठीक है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है, मतलब बेरोजगारी बढ़े जा रही है। ये दो चीजें समझनी है आपको, मतलब जैसा दिखता था वैसा है नहीं एक्चुअली। प्राइस बढ़ना हमेशा नुकसानदायक नहीं है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, गुड ट्रेड के फेजेस और बैड ट्रेड के फेजेस। अब एमसीक्यू आ सकता है, गुड ट्रेड के फेज कौन सा नहीं है, बैड ट्रेड का फेज कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे देंगे वहां पर, ठीक है। अब यार ये अच्छे और बुरे दिन ये चलते रहते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं तो फिर अच्छे दिन भी आते हैं, फिर बुरे दिन आते हैं फिर अच्छे दिन आते हैं, ऐसा चलता रहता है। अगर इनको मैं एक साथ क्लब कर दूं ना और आपको इसका एक मूवमेंट दिखाऊं, हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, मतलब पैसों की जो एक्टिविटीज हैं, वो कम ज्यादा होती रहती है, उसका एक फेज बना दूं, तो उस फेज को बोलेंगे बिजनेस साइकिल। और यार बिजनेस साइकिल ही एक्चुअली ट्रेड साइकिल है। कहना क्या चाहता हूं मैं आपसे, यहां पर मीनिंग भी लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग पे मत जाओ अभी। यहां देखिए, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं टाइम, एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम फेज, ईयर बाय ईयर कुछ भी होता जा रहा है। मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे साइकिल बना रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं तुम्हें यहां बताता हूं। इधर तो फेजेस लिखेंगे वाई एक्सिस पे, मैंने यहां बहुत स्पेशल चीज की है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज। चलो जी, ये जो फेज है ना, इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहां पर इकोनॉमी नीचे की तरफ गिर रही है, फिर इकोनॉमी बढ़ रही है, फिर इकोनॉमी गिर रही है, फिर इकोनॉमी बढ़ रही है, और फिर ऐसे आगे इकोनॉमी गिर भी सकती है। कुल मिला के अगर बात करूं, जब इकोनॉमी के अंदर सुधार होता रहता है ना, तो इस वाली स्टेज को बोलते हैं, हाँ भाई ये एक्सपेंशन यानी बढ़ोतरी है, एक्सपेंशन का मतलब आगे बढ़ना, और जब गिर रही होती है इकोनॉमी तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहां मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन बाहर लिख दिया, आपको ये बनानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, पेपर में बनानी नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। फिर ये एक्सपेंशन की स्टेज है, फिर गिर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन और फिर गिरेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये बढ़ रहा है ना, ये इसको रिकवरी भी बोल सकते हो, मतलब गिर गई थी इकोनॉमी और फिर यहां तक रिकवरी हो रही है, इधर तक जहां तक पहले थी वहां तक पहुंची रिकवरी और फिर बढ़ोतरी हो रही है। अब इसमें क्या है, जब इकोनॉमी अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाती है तो इसको बोलते हैं पीक पॉइंट, ठीक है। ये भी दोबारा पीक पॉइंट आया, इकोनॉमी के पीक पॉइंट बार बार आते रहते हैं, ये फिर पीक पॉइंट आया है। तो ऐसे करके दोस्तों ये डाउनफॉल वाले जो पॉइंट आते हैं, ये वाले पॉइंट, इसको ट्रफ पॉइंट बोलते हैं, ट्रफ। अब इकोनॉमी के अंदर ना देखो, अच्छे दिन आते हैं कभी, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसकी क्या फीचर्स होती हैं, अभी पढ़ रहे हैं अभी आगे। अच्छे दिन आते हैं फिर बुरे दिन भी आ रहे हैं, बुरे दिन अगर नहीं जाएंगे ना इकोनॉमी से तो उसको रिसेशन बोलते हैं, यानी ट्रफ की सिचुएशन बनी रहेगी तो, और ट्रफ की सिचुएशन बहुत समय तक नहीं जाएगी, मतलब रिसेशन की सिचुएशन अगर बहुत लंबे टाइम तक ना जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अमेरिका में आया था 1928 के अंदर, द ग्रेट डिप्रेशन, लगभग 4-5 साल तक चला था वो, ठीक है। तो ट्रफ ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर लंबे समय तक चलता रहे तो, ऐसे ऊपर नहीं आएगा वो, लंबे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और फिर ये बढ़ोतरी गिरावट, कुल मिला के हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट है, उसका क्वेश्चन भी बनता है पेपर में इकोनॉमी के अंदर। ये भी टर्निंग पॉइंट है एकदम से बदलना, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है। तो दोस्तों पीक और ट्रफ अपने आप में दो साइमल्टेनियस टर्निंग पॉइंट होते हैं, ऊपर से नीचे गिरना मुड़ना मतलब, ठीक है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। और एक यहां पर ट्रेंड देखा जाए तो इकोनॉमी पहले यहां थी और समय के साथ देखो ग्रो कर गई है, लगभग इधर तक आ गई है, तो ये ट्रेंड सेट लाइन है, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये व्हाइट वेल लाइन जो बनाई है, मतलब ऊपर नीचे करते 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 इकोनॉमी फिलहाल पहले से बेहतर लेवल पर खड़ी है। अब हमारा प्यारा देश भारत ले लो, जब देश आजाद हुआ था तो कहीं और था इकोनॉमिक स्टेटस, कहीं और था, फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, आज के टाइम में कहीं और है लेकिन पहले से बेहतर है, समझे। हर देश के साथ ऐसा होता है, हर देश में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशन भी हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, कुछ चीज़ें देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रही हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं, ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदलाव के कारण बनी है ये, इसको ही बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और दोस्तों इसी साइकिल का दूसरा नाम ट्रेड साइकिल, आपसे भी पूछ सकता है। तो बिजनेस साइकिल यहां लिखा है, ट्रेड साइकिल यहां लिखा है, इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस जो वर्ड अंडरलाइन कराऊंगा उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्रैक करना है आपने, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिख के आना, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या लिखा है यहां पर, मेन बात, वन ऑफ द बेसिक अंडरलाइंग फीचर ऑफ एनी इकोनॉमी क्रॉस द ग्लोब इज द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेन बात यही है, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे हो रही है, यही तुम्हारी बिजनेस साइकिल है। और ये दीज
रिदमिक फ्लक्चुएशन, रिदमिक का मतलब जो कॉन्टिन्यूस हो ही जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार हो ही जा रही है, वो वाली फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वर्ड ध्यान रखना है आपने, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट का मतलब कंबाइंड, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है, उन सब में ऊपर नीचे चलता रहता है, सारी कैसे एक दूसरे से रिलेट होती है अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कुल मिला के इस बिजनेस साइकिल के जो फेजेस हैं वो एक एक्सपेंशन का फेज दिख रहा है ऊपर जाने का, रिकवरी उसके बाद भी आएगी, फिर एक पीक फेज है, एक डाउन फेज है नीचे जा रहा है, फिर एक एकदम नीचे चला गया वो ट्रफ फेज है, डिप्रेशन भी हो सकता है यहाँ पर, चार फेज है इकोनॉमिक साइकिल के, और फिर आगे और रिकवर करेगी तो फिर उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फेजेस के बारे में बात करें तो चार फेजेस बनते हैं बिजनेस साइकिल के, बोल लो ट्रेड साइकिल बोल लो, इकोनॉमिक साइकिल बोल लो, कोई भी वर्ड इसके लिए बोल लो, एक एक फेज हमें एक्सप्लेन करना है और कुछ रियल मार्केट बिजनेस साइकिल के एग्जाम्पल भी देखने कि असलियत में क्या ऐसा हुआ था। तो यार बिजनेस साइकिल के असलियत के एग्जाम्पल लिखे हैं, ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था 1930s में, ये यूएसए की बात हो रही है, अमेरिका में, इसके ऊपर अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग राय देते हैं कि क्यों आया था। कुछ कहते हैं मनी सप्लाई कम हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, कुछ कहते हैं देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम थी, लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, तो अलग अलग रीजन है। यहाँ पर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जॉन मानियार्ड कीन्स को, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने इसके सोल्यूशन निकालने शुरू किए और इन्हों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। फिर यार ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट हो गया था सन 2000 में, बेसिकली 1997 के आसपास की बात है ये, यहाँ से लेके 2001 तक इसकी स्टोरी है पूरी की पूरी, इसको हम .com बबल भी बोलते हैं, .com क्राइसिस या .com बबल बोल लो। ये क्या था, इंटरनेट की कंपनीज थी बहुत सारी, नया नया इंटरनेट चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट की कंपनी खोल ली थी उस टाइम पे, तो लग रहा था लोगों की भाई इंटरनेट की कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वेबसाइट वाली कंपनी है, तो भविष्य में अच्छा फ्यूचर है, बढ़िया बिजनेस होगा, तो बड़े बड़े लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे केयर फ्री होके, फिर वो केयरलेस हो गए, ठीक है। लेकिन जितनी ग्रोथ सोची थी उतनी ग्रोथ हो नहीं पाई, तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई लॉन्ग रन में, यानी लंबे समय की बात करें, और बहुत सारी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो ये लोगों का पैसा यहाँ बर्बाद हो गया था। और रिसेंट एग्जाम्पल बताएं बिजनेस साइकिल का, तो वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है जो 2008-09 में आया था, ये भी बताते हैं अमेरिका की वजह से आया था। अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स ने, या फिर पूरे अमेरिका की लगा लो, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, तो इंटरेस्ट रेट कम करने से लोगों ने क्या किया, पैसा अपने पास ही सेव करना स्टार्ट कर दिया, बैंकों के पास जमा नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए थे। यहाँ पर लीमन ब्रदर एक बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, बस जानना है कि हाँ भाई रियल मार्केट कुछ असलियत में भी बिजनेस साइकिल के एग्जाम्पल है। अब दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे फेजेस, जो बिजनेस साइकिल में फेजेस होते हैं, क्योंकि वहां से एमसीक्यू आता है, किसी भी फेज के बारे में आपसे पूछ लेगा, उसकी फीचर पूछने लग जाएगा। तो यार सबसे पहले बताओ बिजनेस साइकिल में चार फेज हैं, एक एक्सपेंशन का फेज है, इसको बूम या फिर अपस्विंग फेज भी बोलते हैं बढ़ने का, फिर पीक फेज है, इसको एग्जैक्ट बूम या प्रोस्पैरिटी फेज भी बोलते हैं, ऐसे बढ़ती है ना, तो यार ये पीक या प्रोस्पैरिटी, दूसरा फेज ये रहा और पहला फेज ये रहा, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, ये गिर रहा है, गिरावट है नीचे, इसको डाउन स्विंग या फिर रिसेशन भी बोलते हैं, रिसेशन एग्जैक्टली नहीं बोलते, रिसेशन तब रहता है जब ये फेज खत्म ना हो, चलता रहे, और ट्रफ और डिप्रेशन यही वाला फेज बन जाता है जब ये ठीक ना हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ थे हम पहले, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते रिकवरी है, और इसके बाद फिर दोबारा हमारे पास एक्सपेंशन है, तो ऐसे फिर गिरेंगे, अगर गिरी इकोनॉमी तो इसके बराबर आते आते रिकवरी है, फिर इसके बाद फिर एक्सपेंशन है, मतलब इतना डीप आपको बिजनेस साइकिल नहीं पढ़नी है, मोटे मोटे तौर पे ये चार फेजेस पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इतना ही ध्यान रखो बस। तो एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेंशन मतलब खुशी के दिन, बढ़िया दिन है ये, खुशी के दिन देश के लिए आते हैं, तो इसका मतलब देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, देश के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ेगी तो सामान बिकेगा लोगों का ज्यादा, दुकानों का सामान बिकेगा, बिजनेस का सामान बिकेगा, बिजनेस वाले भी खुश होंगे, ऐसे में ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो नौकरियां भी ज्यादा बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इकट्ठा नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम और नौकरियां सब बढ़ रही होती हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है, कैपिटल और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दोनों खर्चे बढ़ रहे होते हैं। ये फेस आया ही क्यों पता है, सारा गेम डिमांड की है। देखो जब लोग ज्यादा सामान खरीदना शुरू करते हैं ना, तो बिजनेस प्रोड्यूस करना ज्यादा स्टार्ट करता है, तो लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो बिजनेस की बिक्री ज्यादा हो रही है, बिजनेस की बिक्री ज्यादा हो रही है तो वो लोगों को नौकरी पे ज्यादा रखता है, तो
तो सारी बातें फेस्टिवल सीजन का एग्जांपल ले लो, लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए उनको प्रोडक्शन बढ़ाया, आउटपुट बढ़ाया है बिजनेस ने और लोगों को नौकरियों पे भी रखा है, ये चलता रहे तो चलता ही रहे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसमें कंपनीज की सेल्स बढ़ने लगती है, प्रॉफिट बढ़ने लगती है। ठीक है, और बैंकों से, बैंक भी देखते हैं हाँ भाई बिजनेस अच्छे चल रहे हैं तो बैंक फर्म्स को क्रेडिट उधार पे जल्दी जल्दी देते हैं पैसे, लोगों को दे देते हैं पैसा उधार पे, चलो भी ठीक है ना। तो टोटल कुल मिला के जब दिखता है कि लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, पटाखों की बात कर लो दिवाली पे, दिवाली पे अगर लोग पटाखा खरीदना चाह रहे हैं ना तो दुकानदार बड़े शाणे होते हैं, उस टाइम पे पटाखों के प्राइस बढ़ा देते हैं। दिवाली पे मिठाई खरीदना चाहते हैं तो मिठाई के प्राइस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारी डिमांड तो बढ़ रही है साथ साथ में प्राइस भी बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। तो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग ना के बराबर बेरोजगारी होती है, शायद ये इमेजिनरी फेज भी तुम सोच सकते हो कि किस लेवल पे इकोनॉमी पहुंची है अभी तक पता नहीं है, एक्सपेंशन चल रहा है इकोनॉमी का, तो देखो ना एक्सपेंशन मतलब चल पड़ा, कहाँ जाएगा एक्सपेंशन नहीं पता। अब यहाँ पर है तो लोगों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हुई है, अब टॉप पे पहुंच गए तो सब लोगों को नौकरियाँ मिल गई हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, अभी बीच में बना दी मैंने लाइन ये। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग नेग्लिजिबल इन्वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट होती है, ऑलमोस्ट जीरो, सबको नौकरी मिल जाती है। अगर कोई यहाँ पर बेरोजगारी है तो वो ऐसी होती है कि एक बंदे ने कंपनी ए से नौकरी छोड़ दी तो वो दूसरी कंपनी में नौकरी करने लग गया, ऐसा हो सकता है। तो जितने दिन उसको लगे बीच में, ए से छोड़ी और तीन दिन बाद बी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई, तो तीन दिनों के लिए उसको काम नहीं मिला ना, तो तीन दिनों के लिए वो बेरोजगार था। ऐसी बेरोजगारी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ना के बराबर बेरोजगारी है लेकिन लोगों को नौकरियां मिल जाती है। अब एक कंपनी से छोड़ी है दूसरी में मिली है तो ये का समय हो सकता है, इसको मोबिलिटी ऑफ लेबर बोलते हैं, लेबर मोबाइल हुआ है, मोबाइल मतलब आना और जाना, या फिर कहीं पर सस्पेंड हो गया उसको सैलरी नहीं मिली, ये भी हो सकता है ना, नौकरी बदली है, सस्पेंड हुआ है, स्ट्राइक हुई है कहीं पर, एम्प्लॉय स्ट्राइक भी कर देते हैं कि हाँ भी हमने काम कर रहे हैं, जब स्ट्राइक करेंगे तो कंपनी सैलरी क्यों देगी, स्ट्राइक का टाइम भी बेरोजगारी का होता है। फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से बेरोजगारी आ सकती है कि हाँ भाई किसी का बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने की वजह से भी बेरोजगारी आ सकती है कि कुछ दिन काम नहीं है, या इकोनॉमी बढ़ रही है आगे तो कुछ समय लगेगा काम देने में, कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, ठीक है, उसकी वजह से आ सकती है। आगे इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लोग पैसा दबा के लगा रहे होते हैं, जैसे कि वो इंटरनेट वाली कंपनीज खुल रही थी 97 में तो दबा के लोगों ने पैसा लगाया है। ठीक है, और भाई इसके अंदर प्राइस तो बढ़ने ही लगता है चीज़ों का, लोग डिमांड भी ज़्यादा करते हैं तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, प्रोस्पैरिटी तक पहुंचते हैं लोग, खुशियों तक पहुंचते हैं। और एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने मोटी मोटी बात आपको पढ़ाई है, हर चीज़ ही बढ़ने लगती है यहाँ पर, ध्यान रखना बस। ठीक है, ये स्टेज तब तक चलती रहती है जब तक सब लोगों को नौकरी मिल जाती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जब तक देश में नहीं आ जाता तब तक ये स्टेज चलती रहती है। तो एक्सपेंशन कंटिन्यूज टिल देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तब तक चलती रहती है ये। ठीक है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो एकदम से ग्रोथ रेट नीचे जाने लग जाती है। ठीक है, नीचे भी जाती है, तो लिखा है द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। ये ग्रोथ रेट बढ़ती रहती है, स्लो रेट से बढ़ती है फिर बाद में, और फिर नीचे भी जाने लगती है। भाई जब नीचे जाती है तो इसको बोलते हैं, ये डाउन स्विंग आ गया, ये ऊपर है तो इसको बोलते हैं पीक है। ठीक है ना, आगे बताते हैं इसके बारे में, पीक को एक्सप्लेन करना यही दे दिया, पीक के बारे में एक्सप्लेन सिर्फ इसमें ही। पीक टॉप फेज होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, एक तरीके से मान सकते हो आप। द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप, इसको टॉप बोलते हैं या फिर हाईएस्ट पॉइंट है किसी भी बिजनेस साइकिल का, और ये तब आता है जब एक्सपेंशन एंड हो जाता है और इसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट इसके बाद ही स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये उसके कुछ रीजन लिखे हुए हैं, ये रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सपेंशन के बाद हो रहा है जो हो रहा है, जब इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी ना उसके बाद हो रहा है जो हो रहा है। तुम खुद सोच के देखो, जब तरक्की हो रही होगी, लोगों को नौकरियां मिल रही होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सब लोगों को नौकरियां मिल गई, सब मस्त काम कर रहे होंगे, सब बढ़िया काम कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में बिजनेस का डाउनफॉल एकदम से कैसे आ जाएगा, डाउनफॉल आने के ये रीजन होते हैं। यहां पर हर एक चीज महंगी हो रही होगी, ठीक है, लेकिन अब डिमांड बढ़ी जा रही है, बिजनेस प्रोडक्शन करे जा रहे हैं, जो बिजनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी सामान बना रहे हैं यार, उसके लिए रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं से ला रहे होंगे। वो रॉ मटेरियल अनलिमिटेड थोड़ी है देश के अंदर, वो रॉ मटेरियल भी तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जब वो रॉ मटेरियल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, स्केर्स होता जा रहा है, उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि कंपनी बना रही है ना सामान, बनाना चाह रही है, तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इनपुट्स बोलते हैं, इनपुट्स धीरे धीरे बहुत महंगे शुरू हो जाएंगे, तो इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से इनपुट्स का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और इसी वजह से
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सॉरी कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदा रहने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले आलू की सब्जी 5 रुपए किलो आती थी, अब आलू की सब्जी 40 रुपए किलो हो गई, क्योंकि मिल नहीं रहे, तुम तो खाए जा रहे हो लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है ना। उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी यहाँ पर जिनकी इनकम फिक्स होती है, जिनकी सैलरी फिक्स होती है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइज रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी फिक्स्ड इनकम अर्नर के साथ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर लोग देखने लगेंगे यार जो हमने सामान खरीदा है उस पर खर्चा सही किया है क्या हमने, मतलब फ्रिज खरीद के गलत तो नहीं किया, फर्नीचर खरीद के गलत तो नहीं किया, मोटरसाइकिल खरीद के गलत तो नहीं किया, जल्दी जल्दी में पैसे तो नहीं खर्च दिए, तो ये सब सोचते हैं धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे वो जो ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलें, सब्जियां ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती, फर्नीचर ड्यूरेबल गुड्स होता है, लंबे समय तक चलता है, तो एक्चुअली इनकी डिमांड कम होने लगती है, लोग इन पर खर्चा फिर सोच समझ के करते हैं। तो कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, स्टैग्नेट का मतलब होता है स्लो होना, डिमांड स्लो हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ना, डिमांड का स्लो होना, इनपुट का प्राइस बढ़ना, फिक्स्ड इनकम अर्नर के ऊपर प्रॉब्लम होना, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में फ्रेम होते हैं कि हाँ भाई बताओ पीक स्टेज में क्या हो रहा होता है, क्या पीक स्टेज एक टर्निंग पॉइंट है? हाँ है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। अगला कॉन्ट्रैक्शन का फेज आ गया, यानी इकॉनमी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो मतलब लोग अब सामान नहीं खरीद रहे, पीक पे पहुंचने के बाद अब सब कुछ गिरने लगा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कोई इकॉनमी के अंदर, ठीक है, लोग अपना पैसा बचा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होने लग गई है, फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नौकरियां लोगों की जाने लग गई हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डिमांड इज डिक्रीजिंग, डिमांड की वजह से सब हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर भी बेचारे परेशान हो रहे हैं ऐसे में, ठीक है, ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, बेटर फ्यूचर के लिए ये बेचारे सोचते हैं, अच्छा अभी बहुत सारा सामान बना लिया है, ये तो बिक नहीं रहा है, फ्यूचर में क्या ही बिकेगा, तो ये जो सामान बना लिया उसको रखे रखते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकरी से निकालना शुरू कर देते हैं, कहते हैं है ही नहीं लोगों की ज़रूरत, लोग तो सामान खरीद नहीं रहे, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो जाता है, सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा रह जाती है, डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो रही है ना क्योंकि प्राइस बढ़ गए थे पहले ही, इसलिए डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन उन्होंने ज़्यादा कर रखा है क्योंकि उनको यकीन था कि हाँ लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, बस वो यकीन ही कहानी ख़राब कर गया, ठीक है जी। और जैसे ही इस स्टेज के अंदर लोग पहुँचते हैं तो प्रोड्यूसर्स नाउ रियलाइज दैट दे हैव इंडल्ज इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर को अब रियलाइज होता है कि बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च हो चुका है, तो फिर यार हो जाता है वो बंद, कंपनी बंद हो जाती है, ऐसा भी होता है ना, कंपनी बंद भी हो जाती है या वो सामान बनाना कम कर देती है, अगर सामान बनाना कम कर देती है तो जो वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रही थी उसका भी यूज़ कम हो जाएगा, तो जो कंपनी रॉ मटेरियल बना रही थी उसकी भी बर्बादी साथ में हो गई, तो इसलिए ये चक्कर दूसरे लोगों तक भी फैलता है, एक कंपनी बर्बाद हो रही है वो दूसरों को भी ऐसे ही कर देती है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा कुछ चक्कर हो जाता है। तो लिखा है ये स्टॉप कर देती है ऑर्डर्स जो रॉ मटेरियल वाली कंपनी के थे, तो सप्लाई साइड ओवरऑल कम ही होने लगती है, ठीक है ना। यहां पर लिखा है दूसरी मार्केट प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स पर ही फर्क पड़ता है, साथ साथ में दूसरे सेक्टर पर भी फर्क पड़ता है, तो स्प्रेडिंग अक्रॉस अदर सेक्टर्स नाउ, ये सारा दूसरे सेक्टर तक पहुंचता रहता है, ठीक है, आप बस बातें सुनते रहो मेरी। फिर ट्रफ पे आ गए, डिप्रेशन पे, मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन पे आ गए हैं, लोवेस्ट पोजीशन बहुत सीवियर पोजीशन होती है, यहाँ पर बिल्कुल बेरोजगारी तहस नहस कर रही होती है, ग्रोथ रेट जो होती है इकोनॉमी की लगभग ना के बराबर या फिर नेगेटिव तक चली जाती है। तो यहाँ के कुछ फीचर्स है कि ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, पहला पॉइंट ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और देश की नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर सब डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे, डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी लोग सामान नहीं खरीद रहे होते। तो यहाँ पर लिखा भी है डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस और प्राइसेस आर एट देयर लोवेस्ट, देख रहे हो प्राइस भी कम है, प्राइस भी बहुत कम है, यहाँ पर प्राइस लेवल बहुत कम है, यानी प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा वो सामान भी नहीं बना पा रहे, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, लोग नौकरी से निकाल रहे हैं, लोगों के पास फिर पैसे नहीं है, वो फिर सामान नहीं खरीद रहे, फिर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये चलता रहेगा तो इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में कीन्स कहते थे कि गवर्नमेंट को बीच में इंटरवीन करना चाहिए इकॉनमी को ठीक करने के लिए, यानी गवर्नमेंट को बीच में कूदना चाहिए अगर इकॉनमी को ठीक करना चाहती है सरकार तो, ठीक है। ऐसे में कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, अपनी वर्कफोर्स को रोक नहीं पाती, लोगों को नौकरी से निकाल देती है, बस बातें लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे कुछ और फीचर्स हैं इसकी जो यहाँ पर लिखी हुई है, आपके काम की चीज़ है यहाँ पर, कि बैंकरप्सीज होने के चांस हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैंकरप्सीज, मतलब लोगों ने जो बैंकों से लोन लिया हुआ है वो इस समय पर वापस नहीं दे पाते, ठीक है ना, बर्बाद हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट होने के चांस होते हैं, तो ये सबसे बॉटम फेज है।
और ये तब तक चलता रहता है जब तक बिल्कुल लोवेस्ट फेज नहीं हो जाता। इसके बाद रिकवरी भी स्टार्ट होती है, तो रिकवरी की बात करें, ठीक है, रिकवरी किस चक्कर में स्टार्ट होती है ये समझना जरा। लोग अब निराशावादी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, यार सब कुछ बर्बाद हो गया, तो अब वो कम पैसों में, कम सैलरी में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं एंड ऑफ पेसिमिज्म है, पेसिमिज्म मतलब निराशावादी है, एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी शुरू हो जाता है। यहां पर कम सैलरी में लोग नौकरी करते हैं तो कंपनी को कम खर्चे में प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो सस्ता सस्ता सब कुछ बनना शुरू होता है। जब सस्ता होता है तो फिर लोग खरीदना भी शुरू करते हैं, तो सब कुछ सस्ता हो गया ना, फाइनली खरीदना शुरू किया, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी तो लोग और बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसे कर करके इकोनॉमी अपने आप फिर एक्सपेंशन के फेज में चली जाती है। तो यहां से अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाती है और नौकरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, कंपनी फिर से अपनी स्टॉक्स को बिल्ड करने लग जाती है, बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस दोबारा हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब बैंक भी अब देख रही है कि बिजनेस सही चल रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी नहीं क्रेडिट फैसिलिटीज देने लग जाएंगे, तो ये भी उधार देने लग जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फिर दोबारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट डिमांड देश के अंदर बढ़ने लगेगी और प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। जब प्राइस बढ़ने लगता है तभी तो प्रॉफिट बढ़ने लगता है यार, नहीं। ये कुछ फेजेस थे, इस फेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है। आपको कहोगे रिकवरी वाला फेज कहाँ से आ गया, या रिकवरी वाला फेज उन चार फेजेस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी फीचर्स आपको जाननी है। सब कुछ आईसीआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से कराया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि अभी हाल फिलहाल बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है देश के अंदर। तो इसको इंडिकेट करने के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं यानी कुछ चीजें हैं जो अभी बता देंगी कि कौन सा फेज आने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में पता लगता है कि हाँ ये फेज चला गया, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेज के साथ साथ बता देगी कि हाँ भाई ये वाला फेज चल रहा है। तीन बातें हैं मेन, ठीक है। तो तीन तरीके के इंडिकेटर्स हैं। पहला मैं बताऊं तो इंडिकेटर्स का मतलब ही बताया हुआ है, इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जो बताती है कि इकोनॉमी करंटली, ठीक है, कौन से फेज से गुजर रही है, ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस बताता है। अब इंडिकेटर में नंबर वन पे लीडिंग इंडिकेटर है, यानी ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता लग जाता है कि इकोनॉमी के अंदर कौन सा फेज आने वाला है, एडवांस में पता लग जाता है, ठीक है। एडवांस, इसके लिए वर्ड याद रखना, एडवांस में पता लग जाता है, ये फोरकास्ट कर देता है कि कौन सा फेज आने वाला है कुछ हरकतों को देखकर इकोनॉमी की, ठीक है। और भाई इसके एग्जांपल है लाइक स्टॉक्स के प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट बदलने लगा है, या फिर इंटरेस्ट रेट बदल गए देश के अंदर, घर के रेट बदल गए देश के अंदर, या लोग नया नया सामान खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है नई नई, कंपनीज को अब धीरे धीरे स्लोअर डिलीवरीज हो रही हैं, या बिजनेस का कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस दोनों बदल रहे हैं, या मनी की ग्रोथ रेट में कोई बदलाव आ रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर आपको ध्यान होने चाहिए कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इसके हिसाब से। मतलब कैसे आप आइडिया लगाओगे वो चीज़ छोड़ो, लेकिन ध्यान रखो ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके हिसाब से पता लग जाता है कि कौन सा फेस चल रहा है। अगर मैं बात करूं, तुम्हें ये पता लग गया प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो तुम फटाक से आइडिया लगा लोगे, अच्छा प्राइस लेवल किस में बढ़ता है, एक्सपेंशन के फेज में, पता लग गया ना। फिर मान लो प्राइस लेवल कम हो रहा है, तुम्हें पता लग जाएगा, अच्छा प्राइस लेवल किस में कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में, पता लग जाता है कि कौन सा फेज चल रहा है, ठीक है। आगे जी, लैगिंग इंडिकेटर्स ये है जो एक बार इकोनॉमिक इवेंट हो चुका होता है ना बिजनेस साइकिल में, फिर बाद में बताते हैं, अच्छा डिप्रेशन का फेज था, अच्छा एक्सपेंशन का फेज था, ऐसे बताते हैं बाद में। तो यार ये तब जब इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो जाता है तब बताते हैं ये कि हाँ ये हुआ था। तो जब बेरोजगारी हो गई, या कंपनीज के प्रॉफिट को देखकर, या लेबर की कॉस्ट को देखकर, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं, कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज़ हैं इनको देखकर। तो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि ऐसे एग्जांपल तुमसे पूछे जाएंगे। हाँ, लैगिंग इंडिकेटर का मतलब पूछ सकते हैं उसके अंदर, कि लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो इवेंट होने के बाद बताते हैं कि ऐसा हुआ था, यानी ये एडवांस में नहीं बताते, ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे डिपेंड होते हैं, बस इस बात को ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है जी। अगले बताएं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग, अगर ये सिग्नल करते हैं कि बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म दीज ट्रेंड्स, ये दोनों ट्रेंड्स को बता दिया। लीडिंग ने बता दिया कि बिजनेस साइकिल शुरू हो चुकी है, तो ये खत्म होने के बाद फिर लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म कर देंगे, हाँ यही वाली साइकिल थी जी, ठीक है ना।
और फिर आते हैं दोस्तों कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो साथ के साथ चलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कौन सा इवेंट चल रहा है कौन सा इवेंट नहीं चल रहा, तो एक करंट स्टेट से रिलेटेड होते हैं, बस इस वर्ड को ध्यान रखो, ऐसी करने याद। फिर दोस्तों आ जाएगा कि इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो देश का जीडीपी या इन्फ्लेशन या पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब खुद की इनकम नहीं होता, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कंपनी की रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड, ऐसे कुछ चीज़ें देखकर पता लग जाता है ना कि अभी हाल फिलहाल कौन सी सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ये सब आपके पढ़ने के लिए, अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ये पढ़ना है जो आपने लिखा हुआ है, अगर आपको ये पढ़ना है तो पीडब्ल्यू की एंड्रॉइड ऐप पे ये आपको क्लास नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे, और पीडब्ल्यू की एंड्रॉइड ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो यार, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि बिजनेस साइकिल की फीचर्स क्या होती है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन का फेज किसी में दो महीने का चल रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन का भी दो ही महीने तक चलेगा। जो बिजनेस साइकिल के फेजेस हैं ये अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो फीचर्स है ये बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब डीपनेस होता है कि किस इकोनॉमी को ज्यादा खतरा भी पहुंचाएंगे। तो कुछ फीचर है, पहली फीचर है ये पीरियोडिकली होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम होते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ दी साइकिल्स वेरी, अलग अलग इकोनॉमी के अंदर अलग अलग तरीके से इसकी साइकिल की ड्यूरेशन हो सकती है, और इंटेंसिटी मतलब इसका जो इंपैक्ट होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अलग अलग फेजेस होते हैं, है ना, और इन फेज की जो लेंथ होती है, कितनी लंबा फेज चलेगा, ड्यूरेशन या लेंथ कुछ भी बोल लो, वो डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, और बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल जनरली नहीं होती। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है सरकार डिसीजन लेके उसको सॉल्व कर देती है, तो मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है भाई कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगली फीचर्स कि ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। कुछ सेक्टर को बर्बादी मिलती है तो कुछ सेक्टर को बहुत ज्यादा बर्बादी मिलती है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्बादी हो सकती है, और कुछ सेक्टर अच्छे होंगे तो कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चीज पर इक्वल इंपैक्ट पड़ेगा, हर एक चीज का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है, मतलब मुश्किल काम है इसको समझना, बहुत आसान काम नहीं है। बिजनेस साइकिल की प्रिडिक्शन लगाना भी आसान काम नहीं है कि ट्रेड साइकिल में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जो इसके अंदर साइमल्टेनियस रिपरकशन इफेक्ट होते हैं वो अलग अलग वेरिएबल पे एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ट्रेड एंड प्राइस लेवल, इन सब पे हो सकते हैं। और छोटी नहीं बड़ी बात बताऊंगा, जैसे कोरोना फैलता है ना एक बंदे से बहुत सारे बंदों में ट्रांसमिट होता है, ऐसे बिजनेस साइकिल एक देश से लेकर दूसरे देशों में ट्रांसमिट हो जाती है, कंटेजियस है। ये भी अमेरिका में शुरू हुआ था, दूसरे देशों तक फैल गया, क्योंकि एक देश का लेन देन डिमांड और सप्लाई के चक्कर में दूसरे देशों से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है और उसका रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो यार जिस कंट्री में ये बर्बाद हुआ है तो रॉ मटेरियल बनाने वाली भी तो बर्बाद होगी। तो ऐसे कर करके ये कंटेजियस है। ठीक है, कंटेजियस है और इंटरनेशनल करेक्टर है इनका, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश तक ही लिमिटेड रहेंगी, ये लंबे दूर चल जाते हैं। ठीक है ना, और इसका यार इंसान के वेलफेयर, ह्यूमन वेलबींग पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब चीज़ें नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं होती, तो इंसान के वेलफेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो दीज आर द फीचर्स, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके रीजन ध्यान रखने हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज होते हैं बिजनेस साइकिल के और कुछ एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। इंटरनल मतलब इकोनॉमी के अंदर के, और ये है आउट ऑफ कंट्रोल, इकोनॉमी के बाहर के। इंटरनल अंदर के रीजन, यानी देश ने मनी सप्लाई बढ़ाई या कम की, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट हुई नहीं हुई, डिमांड का ऊपर नीचे क्या हुआ, देश में इनोवेशन हुई या नहीं हुई, ऐसे रीजन इंटरनल है। एक्सटर्नल रीजन है, मान लो कहीं वॉर हो गया, ठीक है, कहीं डिजास्टर आ गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। तो इंटरनल रीजन देख लो, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, ये कीन्स, जॉन मानियार्ड कीन्स का दिया हुआ कारण है। ये कहते थे अगर एक इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगी तो इस इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा, इस इकोनॉमी का भला होने लगेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी होगा, यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम होने लगी तो प्राइस लेवल भी कम, इकोनॉमी रिसेशन में कूद सकती है। तो फ्लक्चुएशन एडी में ऊपर नीचे कुछ होगा तो बिजनेस साइकिल आएगी, मतलब कोई तो फेज आएगा, कोई ना कोई फेज आएगा ही आएगा।
ऐसा ही सेम फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती है तो उसका फर्क इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है, ऐसे ही वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार अपना खर्चा कम या ज्यादा करती है तो भी देश की टोटल डिमांड पे फर्क पड़ता है इसका। गवर्नमेंट वैसे फिस्कल पॉलिसी बनाती है तब इसको बदलती है, और फिस्कल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा हो जाएगा। मनी सप्लाई में हॉट रे बोलोगे, ये इकोनॉमिस्ट जी हैं, ये कहते हैं कि बिजनेस साइकिल टोटली मनी सप्लाई का सब्जेक्ट मैटर है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, शॉर्ट में लिख दिया, तो इसकी वजह से देश में डिमांड बढ़ जाती है और अच्छे दिन आते हैं। फिर अगर मनी सप्लाई कम हो जाती है, सेंट्रल बैंक कम कर देता है मान लो, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और देश के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। डिमांड बढ़ना देश के अच्छे दिन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल दिमागी फैक्टर दिए हुए हैं, ये एंटिसिपेशन थ्योरी है, पीगू ने दी है। इकोनॉमिस्ट का नाम ध्यान रखना यार, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। पीगू, मैं पीगू बोलता हूँ, कोई पीगो विगो बोलता है। ये कहता है कि लोग अंदाजा लगा लेते हैं अभी प्राइस में क्या चेंजेस चल रहे हैं तो फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, उसकी वजह से लोग अपने डिमांड सप्लाई का पैटर्न चेंज कर देते हैं, बहुत सोचते हैं। फिर ये अलग है, इनोवेशन थ्योरी बाय शूमपीटर। शूमपीटर जी बोलते थे देश के अंदर जब जब इनोवेशन होती है तब तब बिजनेस साइकिल में फेज बदलते हैं। तो नई चीज़ जैसे कि वो .com बबल था, नई टेक्नोलॉजी आई थी, लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था, शुरू में नहीं चली लेकिन अब चल गई, ठीक है। तो जब जब बदलाव आते हैं तब की बात है। कॉब वेब थ्योरी निकोलस कालडरो ने दी थी, आपको सारी थ्योरी पढ़नी नहीं है, ये भी प्राइस चेंजेस से रिलेटेड है, ठीक है। प्राइस चेंज का क्या इंपैक्ट होता है उससे रिलेटेड है। फिर एक्सटर्नल कॉजेस हैं यार दूसरे, ऊपर ऊपर से देखने, बस वॉर या फिर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जो होती है इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी शॉक आते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, इन सब का भी इफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल पे। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाए किसी देश के अंदर पॉपुलेशन, तो एडी बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन कम होती जाए तो एडी कम होती जाती है। चाइना में अभी पॉपुलेशन की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से पहले बढ़ रही थी, तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है तो हम एडी बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसकी वजह से, तो ये ध्यान रखना है। तो बस ये थे, अब तुम्हें देखना है कि हाँ भाई चलो बिजनेस साइकिल पढ़ ली समझ ली, इसको पढ़ने का फायदा क्या है, एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या है, इकोनॉमी के अंदर क्या रेलेवेंस है इसकी। तो रेलेवेंस ये है कि फर्म अपनी अप्रोप्रिएट पॉलिसी बना सकती है, मतलब क्या क्या रूल्स बनाने हैं फर्म्स को वो देख सकती है, जो भी एक्सपेंशन में हम क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन में हमें क्या करना चाहिए, पीक में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बना सकती है, या फिर स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन ले सकती है कि अभी पीक चल रहा है तो हम दूसरी बिजनेस को, दूसरी फर्म को कैसे काउंटर करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिशन में है उससे भी, और ग्रेटली अफेक्ट साइक्लिक बिजनेसिस। कुछ साइक्लिक बिजनेस होते हैं यानी साइकिल में चलते हैं, जैसे कि यहाँ बात करूँ सीजन वाले बिजनेस की, बात कर सकते हो आप कि ऑन सीजन ऑफ सीजन जिनका चलता है, खेती भी एक ऐसा ही बिजनेस है, तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करते हैं ये। और एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स फ्रॉम द मार्केट भी इसमें पॉसिबल है, यानी बुरे दिन चल रहे हैं तो एग्जिट कर जाओ मार्केट से, अच्छे दिन चल रहे हैं तो एंट्री कर जाओ मार्केट में। तो यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, ये तो कुछ लिमिटेड मैंने लिखे हैं लेकिन आपके काम के यही थे। खैर, कॉन्सेप्ट कितने भी कर लो कॉन्फिडेंस आएगा ICAI का स्टडी मटेरियल में जो MCQ दिए हुए हैं वो करने से। तो वो 27 आपके सामने कुल मिला के MCQ हैं, 27 MCQ कराऊंगा यहाँ पर जल्दी सुपर फास्ट तरीके से। आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितने सही थे आपके, इतना सब जो मैंने बताया उसके बाद। तो चलो जी, पहला येलो कलर से करेंगे इसको या ग्रीन से कर लो। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है। लिखा है द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, गुड्स का प्रोडक्शन में अप्स एंड डाउन्स आना, या फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर प्रोलोंग्ड पीरियड ऑफ टाइम। प्रोलोंग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन हो जाए तो यार ये रिसेशन हो जाता है, और रिसेशन ही लंबे समय तक रहे तो फिर वो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। कोई पूछे डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इट इज डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन, ठीक है जी। अगला, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग, यानी लोग सेविंग करना कम कर देते हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल तो सब कुछ है, अप्स एंड डाउन्स जो चलते रहते हैं बिजनेस में, है ना। तो फ्लक्चुएशन है, सिर्फ प्रोडक्शन के अप्स एंड डाउन्स नहीं है, फ्लक्चुएशन है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। ए इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर दोस्तों बी है, और आपको इससे पहले ही जज करना था कि आंसर क्या है। अब एक क्वेश्चन पढ़वाऊंगा आप, मैं क्वेश्चन पढ़ के सामने से हट जाऊंगा, आपने ऑप्शन खुद चेक करने हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी
नहीं हो रही हो देश में, धीरे धीरे उसकी तरक्की कम हो रही हो, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, कम हो रही है मतलब पहले से, और वो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट है। माइनर का अपोजिट होता है सिग्निफिकेंट, मतलब ऑब्जर्वेबल है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रास्टिकली कम हो रही है, ये सोच लो। तो एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक चल रहा है, तो इसमें से कौन सा फेज चल रहा होगा, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए बताएंगे आप। तो यार इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंशन है, और कम हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्शन है। यहां देखो कॉन्ट्रैक्शन का लिखा है, बिजनेस साइकिल में तो सारी एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है, यही वाला सही है, बी के साथ जाएंगे, लेकिन बाकी भी देख लो। रिसेशन का मतलब ये नहीं होता, रिसेशन का मतलब ये फेज लंबे समय तक रहे। रिकवरी का मतलब भी ये नहीं होता, रिकवरी का मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब तुम कहोगे रिकवरी और बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या है, देखो ये यहीं तक देख लो, ये एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, बस पहले की सिचुएशन के बराबर आने तक जो तुम बढ़ रहे हो ना आगे, ये एक्सपेंशन नहीं है, ये रिकवरी है, ठीक है, इस बात को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोवेस्ट पॉइंट। ट्रफ कब होता है, इन चारों में से बताना आपको, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी या द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जब इनमें से कौन अपने सबसे निचले स्तर पर होता है तब ट्रफ आता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएंगे, मैं सामने से हट गया हूं ताकि आप इसका आंसर सही से लिख पाए दोस्तों, कूल तरीके से बताना कि क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, पानी पीने चला गया तभी मैं तो, ठीक है, देख पा रहे हैं, चलो बढ़िया। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है, तो शुरू में ये वर्ड मैंने मार्क कराया था, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही हो तो एक्सपेंशन फेज है, गिर रही हो तो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, और जब ये अपने सबसे निचले स्तर पे है तो ये ट्रफ का फेज है, समझ रहे हो। तो यहां पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है, सी के साथ जाएंगे, सी हमारा सही आंसर है। अगले पे आ जाओ जी, पेन का कलर चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, द लोवेस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड, बिजनेस साइकिल का लोवेस्ट पॉइंट मतलब ये वाला या ये वाला, कोई भी पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन तो नहीं होता, वो तो ये वाला होता है, बूम भी नहीं होता, बूम तो पीक को बोलते हैं, पीक एक ही बात हो गई, ट्रफ है ये, ट्रफ यानी डी, ये ठीक है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 27 क्वेश्चन है कुल मिला के। अ लीडिंग इंडिकेटर इज, लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं, वो इंडिकेटर जो पहले ही बता देंगे कि बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज आने वाला है, ठीक है जी, जो एडवांस में बता देंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, अ वेरिएबल दैट टेंड टू मूव अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ऐसा वेरिएबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ मूव करता रहता है, ठीक है, या फिर अ वेरिएबल दैट टेंड टू मूव इन एडवांस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा जो पहले ही बताया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होने वाली है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, एडवांस आ गया, बी ही ठीक है। इसके अलावा आप अगला भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो उस्ताद, ठीक है ना। छठे पे आ जाएंगे, क्या लिखा है, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड, अच्छा पहले वाला ही है और मतलब ऑप्शन से रिलेटेड ही है, आपको इंडिकेटर के बारे में बताना है कि जब कोई इकोनॉमिक इवेंट हो चुका हो उसके बाद उसको कन्फर्म करने वाला वेरिएबल क्या कहलाता है, वेरिएबल मतलब कोई इंडिकेटर ही बात कर रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल आने से पहले जो इंडिकेटर बताए वो लीडिंग इंडिकेटर, और कन्फर्म करे जो उसको कि हाँ भाई ये इवेंट हो गया था, वो क्या होते हैं, ऑप्शन में बताने आपको, लीडिंग नहीं, कॉन्सिडेंट नहीं, लैगिंग बताओ, साइक्लिकल कुछ नहीं होता, सी ठीक है, ठीक है ना, सी के साथ जाएंगे, लैगिंग है। कॉन्सिडेंट वो होते हैं जो इवेंट के साथ साथ ऑब्जर्व करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है। अगला 7th क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल आर, ऐसी इंडस्ट्री जो बिजनेस साइकिल के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, मतलब बिजनेस साइकिल में कोई भी बदलाव आएगा तो उन सब इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, कौन सी है, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर, ड्यूरेबल मतलब जो फ्रिज वगैरह लंबे समय तक चलते हैं, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज सेक्टर, ऐसी चीज जो लंबे समय तक नहीं चलती लाइक चॉकलेट, कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह, और कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर्स, भैया कैपिटल गुड्स ज्यादा सेंसिटिव होती है, मशीन वाली भी और ड्यूरेबल गुड्स वाली भी, क्योंकि मेन चीज यही है जिससे प्रोडक्शन होता है,
ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकी डिमांड होगी, लोग नई नई मशीन खरीदेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एक्सपेंशन में। प्रोडक्शन कम होगा तो ये बिकनी बंद हो जाएगी, जब ये बिकनी बंद हो जाएगी तो रॉ मटेरियल भी बिकना बंद हो जाएगा, पहले इफेक्ट इस पर होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डी वाली होती है, ध्यान रखना। ये शुरू में ही बताया था मैंने कि ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखना। आ जाओ जी अगले पे, क्या लिखा है, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कोज, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम करना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा। चार है आपके पास ऑप्शन, चार में से एक ठीक करके बताना है, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। चलो जी, ऐसे बताना है कि एट्थ के आगे क्या लिखना है आपने, ए बी सी डी, वो यहाँ बताना है। कुछ तो तुम्हारा भी चेक करूंगा मैं, फिर 26 में से तुम मुझे नंबर बताओगे, 26 में से क्यों, 27 में से बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कितना स्कोर तुमने किया है। अगले पे आ जाओ, नाइन्थ क्वेश्चन, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन, जब इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो रही होगी इसमें इन चारों में से क्या नहीं होगा। जब बढ़ोतरी हो रही होती है, नेशनल इनकम बढ़ रही होती है, आउटपुट बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, प्राइस बढ़ रहा होता है, तो क्या नहीं होगा यहां पर, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्या नहीं होगा। तो कंज्यूमर परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, यानी कंज्यूमर हर चीज हर तरीके की गुड्स को खरीद रहा होगा यहां पर, हाँ या ना, बिल्कुल खरीद रहा होगा, ये तो होगा ही होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, बिल्कुल बढ़ रही होगी। बिजनेस का प्रॉफिट और बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा। नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, उल्लू बना रहा है, सब कुछ ही हो रहा होगा, तो डी के साथ जाएंगे भाई, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल, टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल, कोई ऐसा टिपिकल का मतलब ज्यादातर बच्चे समझते हैं कोई अजीब सी बात हो रही होगी। एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल को नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, बस ये बताना है। गर्दन में थोड़ा दर्द हो गया। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी बोल रहा है जब जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आएगा उसके बाद एक्सपेंशन भी आएगा ही आएगा, क्या ये सही आंसर है, बिल्कुल सही लग रहा है। इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई होगी, ये नहीं होता। हाँ ये तो देख लेते हैं, इनकम के साथ साथ होती है, ये नहीं होता। इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेंशन होता है, ग्रोथ के बाद एक्सपेंशन कैसे होगा। स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ, गलत, पहला ही सही था, पहले के साथ जाएंगे, यही सही है। कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आएंगे, ये तो होना ही है, विधि का विधान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, लिखा है ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड आउटपुट डैश, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इकोनॉमी नीचे जा रही है मतलब नौकरियां जा रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, और इकोनॉमी नीचे जा रही है तो आउटपुट प्रोडक्शन भी कम हो रहा होगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नौकरियां बेरोजगार हो रहे हैं ना, तो बेरोजगारी बढ़ रही होगी और आउटपुट कम हो रहा होगा, तो कहाँ लिखा है यहाँ पर, राइजेस और फॉल, अच्छा ये राइजेस और ये फॉल, पहले ऑप्शन में मिल गया कटाक से, पहले में ठीक है, बाकी सब राइज फॉल गलत दिए हुए हैं, शुरू में मिल गया भाई, पहला ऑप्शन पढ़ा तो क्या ही करें, शुरू में आंसर मिल गया हमें, नहीं। ट्वेल्थ पे आ जाओ, ट्वेल्थ वाला क्या बोल रहा है, कह रहा है द फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर, बिजनेस साइकिल के चार फेज कौन से हैं, तो पहला एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रफ, और फिर ये कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, ट्रफ, ये तो फिर दोबारा आ जाएगा, रिकवरी वगैरह उसमें ही आ जाएगा, तो ये चार फेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है जी। तो ट्वेल्थ में हमारे पास एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, पहले ऑप्शन में चारों दे दिए, ठीक है ना, फिर तो इस वाले में बूम फालतू में दिया होगा, क्योंकि बूम और पीक सेम बात होती है, और इस वाले में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रफ, ये दिए तो हुए लेकिन सीक्वेंस में नहीं दिए हुए, ठीक है, और फिर पीक, डिप्रेशन, बस्ट और बूम गलत दिए हुए, पहले वाला ही ठीक है भाई, सीक्वेंस में भी और ओके रिपोर्ट भी है, ए के साथ जाएंगे भाई, ठीक है जी। 13th पे आ जाएंगे दोस्तों, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर वो होते हैं जो एडवांस में बता दें कि क्या हो रहा है, तो उसके बारे में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसलिए होते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या बदलाव आएंगे या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या फ्लक्चुएशन आएंगी, पॉलिसी का कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ रहे हम इस क्लास में,
आर जनरली यूज्ड फॉर फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. हाँ, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का जरूर पता लगेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस का ही पता नहीं लगाते ये रिसेशन और डिप्रेशन के प्रोबेबल इंडिकेटर से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ज्यादा इंडिकेटर होते हैं. तो यहाँ पर बी हमें सही आंसर लग रहा है. हम बी के साथ मूव करेंगे. बी ही हमारा सही है. तो यहाँ लिख दिया बी. अब आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. क्या बोलता है? व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइन द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन. बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन. और बढ़ रही होती तो एक्सपेंशन, है ना. टॉप पे होती तो पीक. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पहले ही ऑप्शन दे दिया यार, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे. तो ए ठीक है, ए के साथ जाएंगे. कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है क्योंकि डिक्लाइन हो रही है. क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे और देखते हैं क्या लिखा है. पीक्स एंड ट्रफ्स. पीक ऊपर का पॉइंट सबसे और ट्रफ सबसे नीचे का पॉइंट, समझ गए ना. ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन एज कलेक्टिवली. इन दोनों को क्या बोलते हैं? देखते हैं भाई, तो ऑप्शन देखकर पता लगेगा. वोलेटाइलिटी, टर्निंग पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, रियल बिजनेस साइकिल इवेंट्स. इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे यहां पर हम. टर्निंग पॉइंट है ये ऊपर से नीचे ले गया, ये नीचे से ऊपर ले गया. टर्निंग पॉइंट मुड़ाव है. तो यहां पर बी को ठीक करेंगे. हमारे पास बी सही होगा. 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, टोटल मिला के 27 कराऊंगा. 16th पे आ जाते हैं. द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज. मनी सप्लाई अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोबेबल आउटकम क्या लगता है आपको? ठीक है, यानी देखो सेंट्रल बैंक ने या फिर किसी और वजह से देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से देश के अंदर टोटल डिमांड बढ़ जाती है, फिर नौकरियां भी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है. ठीक है, फिर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं. तो क्या देखते हैं? इंटरेस्ट रेट टू राइज. नहीं, मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम होता है. मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बीच में उल्टा रिलेशन होता है. ये गलत हो गया उस्ताद. ठीक है जी, अगला. इंटरेस्ट रेट राइज. नहीं, फिर गलत हो गया. राइज तो होगा नहीं. इंटरेस्ट रेट फॉल. हाँ, यहां तक ठीक है. जब ये ठीक है तो आगे पढ़ लो. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज. इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. एंड एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो राइज. तीनों बातें ठीक है, चौथी को भी इग्नोर मत करो. एक बार चौथी पढ़ लो. इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, बिल्कुल ठीक है. इन्वेस्टमेंट भी फॉल होगी, गलत. इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी भाई यहां पर. तो सी के साथ जाएंगे. सी हमारा ठीक है 16th का. ठीक है जी, 17th पे आ जाते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल की इन चारों में से कौन सी फीचर नहीं है? हमने फीचर भी पढ़ी थी जी एच 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 10 के आई जे के 7 फीचर्स पढ़ी थी हमने. तो उसमें से कुछ फीचर्स लिख के तुम्हारे सामने, आपको पहचानना है कि कौन सी फीचर नहीं है. तो नहीं पूछा है. पहला, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल लास्ट वाली फीचर थी ये, लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ये है. बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी. पीरियोडिकली तो ऑकर करती है, लेकिन रेगुलरिटी तो होती है यहाँ पर. रेगुलरिटी होती है यहाँ पर, है ना. वो रिदमिक फ्लक्चुएशन लिखा था ना. फिर बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है. ये कंटेजियस भी होती है, एक देश से विदेशों में फैलती है. तो यहाँ पर बी सही आंसर है. ये फीचर नहीं है उसकी. बी के साथ जाएंगे हम. सेम रेगुलरिटी बोल रहा है, ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी. ये गलत फीचर है, रेगुलरिटी के हिसाब से चलते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 18 आ गया. इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज नहीं होगी, मतलब एक्सेप्ट लिखा है ना, तो कौन सी एक्टिविटी नहीं होगी ये बताना है. तो रिसेशन में फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल होता है. इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. ठीक है, इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर ग्रेजुअली डिक्लाइन. तो जो लोग पैसा, मतलब इनकम अर्नर है और वेज अर्नर है, उनकी इनकम कम हो जाएगी. मतलब जो सैलरी कमा रहे हैं और दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी. तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा होता है इसके अंदर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ इनपुट्स. अच्छा, यहाँ पर ऐसा होगा, इकोनॉमिक रिसेशन में इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट्स. रिसेशन चल रहा है तो इंक्रीज डिमांड होगी क्या इनपुट्स की, और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट होगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर
आपने दिमाग लगा के कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भाई दिमाग वाला है, तो मैं चाहता हूँ एक तो 8वां क्वेश्चन दे दिया, एक 18वां क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कुछ तुम्हारी भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं 19वें पे। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, चार फेज होते हैं, तो चार फेजों के बारे में कुछ लाइन लिखी है कि कौन सी लाइन ठीक है आपको ये बतानी है। चलो जी, डू नॉट हैव सेम लेंथ एंड सीवियरिटी, मतलब दोनों सेम नहीं होते और उनकी इंटेंसिटी जरूरी नहीं है सेम हो। हाँ, ऐसा ही होता है, मतलब इतनी बड़ा एक्सपेंशन चला है तो इतना ही बड़ा कॉन्ट्रेक्शन चलेगा, ये जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा भी चल सकता है, इससे कम भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही लाइन सही है, तो इसके साथ ही चलेंगे, ए हमारा ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेना यार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर वो साथ साथ जो चलते रहते हैं, बताते रहते हैं कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा एग्जाम्पल इनमें से नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने वहां लिस्ट में बना के दिए हुए थे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया, देख लो। ठीक है, तो चार ऑप्शन लिखे हुए, पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा है इन्फ्लेशन, तीसरे पे रिटेल सेल्स, तीनों ही वही थे, और न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये नहीं था। डी के साथ जाएंगे, ये एग्जाम्पल नहीं है। 21वें पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल ऑकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन की ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग की वजह से ट्रेड साइकिल यानी बिजनेस साइकिल आती है, ये किसने कहा था? हॉटरे ने, हॉटरे ने कहा था, हॉटरे तो बोलता था मनी सप्लाई की वजह से होता है ऐसा। एडम स्मिथ ने नहीं बोला, जेएम केन्स ने तो बोला था एग्रीगेट यानी इफेक्टिव डिमांड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जिन्होंने बोला था उनकी बात कर रहे हैं, तो यार ये शूमपीटर ने बोला था, शूमपीटर। डी के साथ जाएंगे उस्ताद, ठीक है जी। 22वें क्वेश्चन पे आएंगे, 22वें नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, लिखा है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो भाई क्या लिखा है, अ वन स्ट्रोक सॉल्यूशन टू चेक द फेज ऑफ इकोनॉमी। एक वन स्ट्रोक सॉल्यूशन होते हैं जो इकोनॉमी का फेज चेक करके बता दे, ये नहीं होते। ऐसे इंडिकेटर जो शो करते हो कि मूवमेंट क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, यही होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, कोई इल्यूजन नहीं है, गलत है। सम एक्टिविटीज विच प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, ये भी नहीं है। बी के साथ जाएंगे, बी इसका आंसर ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 23 पे आ जाओ, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना है, यानी फोरकास्ट करना है, अंदाजा लगाना है इसका, तो कौन सा इंडिकेटर रिक्वायर होगा। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट के बारे में, टर्निंग पॉइंट दो ही होते हैं यार, एक पीक पॉइंट भी टर्निंग है और जो ट्रफ पॉइंट है ये भी टर्निंग है, तो इसका अंदाजा लगाने के लिए कौन सा होगा हमारे पास, देखते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, ये तो पहले एडवांस में बताते हैं। लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म करते हैं बाद में। कॉन्सिडेंट इंडिकेटर ये साथ के साथ बताते हैं, तो तीनों ही इंडिकेटर है कि क्या चल रहा है, आगे पीछे बताएंगे, तो डी सही है, ऑल ऑफ द अबव लिखा है। सारे इंडिकेटर है, कोई पहले बता रहा है, कोई बाद में बता रहा है, ठीक है ना, लेकिन बता तो सारे रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आपके सामने आते हैं और लिखा है बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, व्हाट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मीनिंग वहां नहीं बताया था जब कॉन्सेप्ट कराया था, तो यहां बताना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी में होती है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिमांड और सप्लाई की हेल्प से सॉल्व हो जाती हैं, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। मार्केट ही सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, सारे रिसोर्स ओन करती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अगर लिखा है, तो पहले लिखा है द इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इज इन पोजीशन ऑफ मेजर एसेट्स, ऐसी इकोनॉमी जहां पर सरकार के पास मेजर एसेट्स है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सरकार का रोल ही नहीं बता रहे हम इसमें। द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म कंट्रोल मेजर एसेट्स, हाँ, जहां पर प्राइवेट फर्म मेजर एसेट्स कंट्रोल कर रहे हो वहां की बात हो रही है, तो बी ठीक है, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा, द इकोनॉमी डिसीजन प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कोई डिसीजन नहीं लेता, गलत है। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल नहीं करती, सब प्राइवेट ही करता है। अगला 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो चारों लाइन पढ़नी पड़ेंगी, करेक्ट क्या, उल्टा पढ़ के देखते हैं। द बिजनेस साइकिल अफेक्ट लो वेज वर्कर, क्या बिजनेस साइकिल सिर्फ लो वेज वर्कर को अफेक्ट करती है? नहीं, सबको ही अफेक्ट करती है, फिक्स्ड इनकम अर्नर को ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। द बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट
बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर, हाँ सबको इफेक्ट करती है, लेकिन जनरली सबको अफेक्ट करने के साथ साथ बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट करती है। हाँ बिजनेस से ही सब कुछ शुरू हुआ है, पहले बिजनेस खराब हुए, फिर लोगों के घर खराब हुए नौकरी जाने की वजह से, तो यही ठीक है। आगे देखते हैं, द बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉइज, नहीं नहीं सारे एम्प्लॉइज को अफेक्ट करेगी। द बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं, नहीं सबको करेगी भाई, तो सी ठीक है, सी के साथ जाएंगे। दो ही क्वेश्चन रह गए दोस्तों, 26वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू, कीन्स कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशन है वो किसकी वजह से है, इफेक्टिव डिमांड की वजह से है, इफेक्टिव डिमांड कीन्स याद कर लो, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, जी हाँ यही आंसर है। इनोवेशन तो बोलता था शूमपीटर, मनी सप्लाई में बोलता था हमारा, मनी सप्लाई के चेंजेस कौन था, हॉटरे हटरे, ठीक है। फ्लक्चुएशन ही एग्रीकल्चर आउटपुट का, तो ये आंसर इसका नहीं है, यही वाला हमारा ए आंसर है। अच्छा एक और बताऊं, आप कमेंट सेक्शन में बताना, पीगू जो इकोनॉमिस्ट थे ये क्या बोल, क्या रीजन बताते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन का, यानी बिजनेस साइकिल का रीजन क्या बताते थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कौन सा इन चारों में से रीजन है बिजनेस साइकिल का, तो चारों पढ़ते हैं। फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड कीन्स बोलते थे है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट ये भी है, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये भी है, ऑल ऑफ द अबव, जब ऊपर के तीनों हो गए तो यही है ना, ठीक है ना, ये सब रीजन है, तो यार डी बी आंसर इसका ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ बिजनेस साइकिल का चैप्टर जो कराया है ना, इसमें इतना हवा करने की बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, इनके फेजेस के बारे में और उसके रीजन के बारे में पढ़ना शुरू करो, ऊपर ऊपर से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा हवा करने की जरूरत नहीं, मतलब डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। बस एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में तुमने कितना स्कोर किया, और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।